अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक कानूनों में बदलाव कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार विपक्षी दलों को निशाने पर ले रही है। हालात ये हैं कि कोरोना काल में भी सियासी गतिविधियां यूपी में चरम पर हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने की जुगत तो कम, सियासी फायदा उठाने की कोशिश ज्यादा देखने को मिल रही है। अब सरकार ने श्रमिक कानूनों में बदलाव किया तो विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और सरकार पर जब सवाल उठे तो उन्हें ये नागवार गुजरा और सरकार के मंत्रियों ने विपक्षी दलों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। मामले में यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप मढ़ दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर कांग्रेस भी रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर स्वामी काफी आक्रामक देखने को मिले। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि उन लोगों ने श्रमिकों का विरोध किया है जिनके लिए निवेश के माध्यम से रोजगार तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। मौर्य ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बयान ये बताता है कि वे श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि जो श्रम अधिनियमों में संशोधन अध्यादेश लाया गया है वो इसलिए आया है कि आज मुख्यमंत्री ने अन्य प्रदेशों में रह रहे सभी कामगारों प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का फैसला किया है। मौर्य ने कहा कि ये भी संकल्प लिया गया है कि हम उत्तर प्रदेश में ही श्रमिकों को सेवा में नियोजित भी करेंगे, जो जिस योग्य कामगार है उसके लायक उसे काम दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन श्रमिकों का विरोध हो रहा है जिनके लिए हम लॉकडाउन के चलते बंद उद्योग कारखानों में दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस और सपा के बयान ने उनका श्रमिक विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनको शायद नहीं पता कि हमने नए निवेश के रास्ते खोलते वक्त श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा है। कांग्रेस और सपा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले अध्यादेश को पढ़ें उसके बाद टिप्पणी करें तो बेहतर होगा, लेकिन उनकी टिप्पणी से आभास हो गया है कि वे श्रमिकों के नंबर एक दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि दोनों दल नहीं चाहते कि श्रमिकों को काम मिले, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे हो, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इन्हीं ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोलते हुए समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा कोसा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से श्रमिकों की विरोधी रही है और सरकार के इस अहितकारी फैसले पर इसीलिए सवाल उठा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उठाए गए सवालों पर फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ने कोई भी पलटवार या बयान नहीं दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में अखिलेश यादव या फिर उनके प्रवक्ता इस मामले पर बयान जरूर देंगे और बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।